दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने जो तबाही मचाई है उसे हम सभी कभी भूल नहीं पाएंगे। हालांकि कोरोना कुछ समय के लिए कम तो जरूर हुआ, पर पूरी तरह से इससे निजात नहीं पाई जा सकी। कोरोना के और भी कई वेरिएंट सामने आए और लोगों के मन में खौफ पैदा कर गए कि अब कहीं फिर से तबाही न शुरू कर दें। हालांकि इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन निर्माण के लिए काफ़ी प्रयोग और परीक्षण किए गए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वैक्सीन निर्माण काफ़ी पहले हो चुका था और भारत ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली है। लेकिन क्या आपको पता है कि वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है और इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताते हैं आज हम आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हम आपको इस सवाल का जवाब बताएं तो सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल अब वैक्सीन बनाने का कार्य नामी निजी कंपनी तंबाकू प्रजाति के परिवार वाले पौधों से की जा रही है। सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च के पेपर में इन पौधों से प्रभावी और सस्ती वैक्सीन बनाने की बात कही गई थी। एक साल बाद वैक्सीन बनाने की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में ज़्यादातर वैक्सीन एनिमल सेल से तैयार हुई हैं। पौधे पर आधारित विकसित होने वाली वैक्सीन को सोवोवीएलपी नाम दिया गया है। इसमें निकोटियाना वेंचमियाना पौधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पौधा सामान्य बोलचाल की भाषा में तंबाकू के पौधे की रिश्तेदार प्रजाति का है। वैक्सीन बनाने में स्पाइजिन को प्लांट में क्लोन कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें प्रोटीन बनने लगते हैं और इसे प्योरीफाई कर कोविड-19 के टीके के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसे बनाने के बाद इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आपको इस बारे में जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।